आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी एक क्लोथिंग की टी शर्ट की फैक्ट्री लगा सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। और हाँ, शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें। और वो लोग जो इस वीडियो को फुल फॉलो करेंगे, समझेंगे इस पूरी चीज़ को, उन लोगों के लिए एक प्रो टिप है जो मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा। सो वॉच इट टिल द एंड, डोंट स्किप। स्किप करेंगे आपका अपना नुकसान है, मुझे क्या है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक फैक्ट्री होता क्या है। सो वी हैव एन आइडिया कि हम करने क्या जाने हैं। एक फैक्ट्री होती है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर टी शर्ट्स की लेट से बात करें तो आपकी फैक्ट्री टी शर्ट्स की है, तो उसके अंदर आपकी टी शर्ट्स बन रही हैं, उन टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग की जा रही है, और फिर एक पूरी टीम है जो उन टी शर्ट्स को पैक करती है, एक टीम अलग से है जो उन टी शर्ट्स को डिस्पैच करती है। एक करियर कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो उन टी शर्ट्स को कस्टमर्स तक डिलीवर करेगी। सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन अ कंपनी। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये सारी खजल खराबी नहीं करनी है, तो जब एक कस्टमर वो टी शर्ट ले लेता है, उसके बाद वो ही पे समथिंग, उसके बाद आपको कुछ पैसे मिलते हैं और वो आपका प्रॉफिट होता है। इस सारी चीज़ के अंदर आपका कंसर्न किसके साथ है? क्या आपका कंसर्न टी शर्ट्स पैक करने के साथ है? क्या आपका टी शर्ट्स प्रिंट करने के साथ है? अगर आपको शौक है टी शर्ट्स प्रिंट करने का, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका कंसर्न प्रॉफिट के साथ है कि वो एक टी शर्ट सेल होगी, उसके अंदर से जो पैसे आएंगे, मेरा प्रॉफिट कितना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान में एक नॉर्मल टी शर्ट लेट्स से 900-1000 रुपए की सेल होती है, और अज्यूमिंग कि अगर आप उसके ऊपर 50% भी प्रॉफिट रख रहे हैं, तो क्या आपका 450-500 का प्रॉफिट बनेगा? व्हाट इफ आई टेल यू कि आपने ये सब कुछ नहीं करना, मतलब आपकी एक फिजिकल बिल्डिंग नहीं होगी, ना ही आपकी कोई डिस्पैच टीम होगी, ना ही आपकी कोई पैकिंग टीम होगी, आपको ये सारी खजल खराबी नहीं करनी है, और ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिट एट योर होम, कंप्यूटर को थोड़ी देर लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठना है, और उसके बाद एक टी शर्ट सेल करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 600-700 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। और टी शर्ट सेल करते हुए आपको ना ही उस टी शर्ट को डिस्पैच करना है, ना ही टी शर्ट को प्रिंट करना है, ना ही आपको किसी करियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आप किस तरह घर बैठे अपनी एक टी शर्ट्स की फैक्ट्री बना सकते हैं, सो आइए देखते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि एक वेबसाइट है टीस्प्रिंग, उस टीस्प्रिंग वेबसाइट के ऊपर आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके ऊपर टी शर्ट्स अपना आपका एक ब्रांड बन जाएगा। आपने उसके ऊपर टी शर्ट्स डिजाइन करने शुरू कर देनी है। अगर टी शर्ट्स डिजाइन करना नहीं आता, नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी बताएंगे किस तरह डिजाइन करना है। आपकी जो भी टी शर्ट सेल होगी, उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट होगी, जो कंपनी के चार्जेस होंगे, वो चार्जेस रखने के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो सीधा आपकी जेब में। तो खजल खराबी परे और पैसे जेब में। ये अकाउंट किस तरह बनाना है और इसको टी शर्ट को डिजाइन किस तरह करना है, कौन सी वेबसाइट है, क्या करना है, अभी मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, लेकिन करना क्या है, ये सारे सवालात अभी आपके दिमाग में हैं, तो चलें शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पीसी की स्क्रीन पे। तो इधर मैं गूगल होम स्क्रीन पे लिखूंगा टीस्प्रिंग, ये पांचवा ऑप्शन आ गया। तो ये टीस्प्रिंग की वेबसाइट सामने खुल गई है। ये राइट टॉप कॉर्नर में मुझे एक बटन नज़र आ रहा है स्टार डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये एक नया बार खुल गया। इसके अंदर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि लॉग इन करें, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो मैं लॉग इन नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं साइन अप करूँगा। तो ये जो छोटा सा रेड बटन नज़र आ रहा है साइन अप का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी इधर मुझे अपनी ईमेल डालनी होगी, मैं अपनी ईमेल डाल दूँगा, कोई भी पासवर्ड लगा दें। ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, साइन अप कर दें। अभी ये मेरे टीस्प्रिंग के अंदर मैं साइन इन हो गया हूँ। इसको सेव कर लें इफ यू वांट, अदरवाइज इसको सिर्फ स्किप कर दें। ओके, आई गॉट थ्री ऑप्शंस हियर नाउ। पहला कहता है कि क्रिएट एंड सेल, दूसरा कहता है ट्रैक माय परचेज, और तीसरा कहता है ऑर्डर कस्टम प्रोडक्ट्स। तो मैंने एक्चुअली इधर मैं बिजनेस इंटेंशन के साथ आया हूँ, तो मैंने क्रिएट एंड सेल के ऊपर करना है, क्योंकि इट सेज हियर आई एम लुकिंग टू क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट्स, तो यस दैट इज़ व्हाट आई एम हेयर फॉर। तो मैं इधर क्रिएट एंड सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कोई कस्टम चीज़ बनवानी है तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन वी विल बी गोइंग विद द फर्स्ट वन राइट नाउ। तो ये क्रिएट एंड सेल के ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद इधर क्या चीज़ मैंने क्रिएट करनी है, व्हाट डू आई नीड टू मेक। सो आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट लुकिंग टू डिज़ाइन। इधर वो आपसे पूछेगा कि अबाउट यू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे कि आई एम अ डिज़ाइनर,
और आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, आई विल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड सेल। तो इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपसे अपने स्टोर को नाम देने का पूछेगा तो मैं इसको कोई भी नाम से दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 99 वेयर्स, उसके बाद क्रिएट स्टोर। थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपको वो लॉगिन कर देगा। तो एक दफ़ा जब आपके सामने ये विंडो खुल गई है तो उसके बाद आपको अपना स्टोर सेटअप करना होगा। फॉर एग्जांपल इधर मुझे हेडर लगाना है, अगर आपके पास कोई लोगो है तो उसको अपलोड करके अपना हेडर सेटअप कर दें। अदरवाइज आप स्टोर के नेम के साथ, जिस तरह मेरा इधर 99 वेयर्स नाम आ रहा है, उसके साथ भी चला सकते हैं। इफ़ यू हैव अ हेडर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैनर लगाना है, कोई भी बैनर अपलोड कर दें। अगर आपने के पास अपना बैनर है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है राइट हेयर, तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं इसको एज माय बैनर यूज़ कर रहा हूँ। सेव कर लें। उसके बाद ये नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें, वो आपको ऐड प्रोडक्ट्स का बोलेगा। उसके बाद वो आपको क्रिएट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और एक नया टैब खुल जाएगा साथ। जब ये सामने आपके नया टैब खुल गया, उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, तीन कैटेगरीज होंगी, होम, एसेसरीज और अपेरल्स। अभी हमें चूंकि टी शर्ट्स डिज़ाइन करनी है तो हम अपेरल्स पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हो गई, फॉर एग्जांपल ये यूनिसेक्स और मेंस टी शर्ट्स, वमेंस टी शर्ट्स, हुडीज, लॉन्ग स्लीव टीज। राइट नाउ विल बी गोइंग विद यूनिसेक्स और मेंस टी शर्ट्स। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ डिज़ाइंस खुल जाते हैं जो कि पहले से ही बने हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वन, तो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे कहता है स्टार्ट डिज़ाइनिंग। तो इसके बाद वो मुझे मेरे सामने एक ब्लैंक टी शर्ट रख देगा, एक वाइट कलर की टी शर्ट रख देगा, एंड उसके ऊपर मैं अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन लगा सकता हूँ। अब ये डिज़ाइन आप कहीं और बना लें, किसी ऑनलाइन साइट पे डिज़ाइन बना के ले आएँ, ये आप फोटोशॉप के अंदर एडिट कर लें, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन बना लें, दैट ऑल इज़ ऑल अपॉन यू। आप इसको इस वेबसाइट पे, इस जगह पे भी डिज़ाइन कर। जब मेरे सामने ये विंडो खुल गई है तो उसके बाद मुझे डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ के इसके अंदर अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई इमेज बनी पड़ी है फॉर सम टी शर्ट डिज़ाइन, तो आप उसको इधर ऐड इमेज पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आई विल बी गोइंग विद टेक्स्ट, तो इधर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ आई ईट स्ट्रीट, तो इसको फिर आप अपनी टी शर्ट के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर आई राइट इट, और उसको मैं इधर ले आया। सेकेंड स्टेप इज़ आई नीड टू चूज़ कलर फॉर माई टी शर्ट, तो इधर से मैं कोई भी कलर इन कलर्स में से ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और मे बी दिस वन, और मे बी समथिंग लाइक दिस। तो इनमें से आई कैन हैव एनी कलर। जब मैंने टेक्स्ट लिख लिया तो उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट को भी फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कंट्रोल ए, और उसके बाद मैं कोई भी फॉन्ट इनमें से लगा सकता हूँ जो कि इधर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स चूज दिस वन मे बी, और बहुत बड़ा हो गया, जस्ट वेंट आउट ऑफ द शर्ट, हाँ मे बी समथिंग लाइक दिस, और मे बी इसको दरमियान में ले आएँ। और उसके बाद इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, इसको इटैलिक भी किया जा सकता है, इसको अंडरलाइन भी किया जा सकता है, आई मीन व्हाटएवर यू वांट। तो उसको अपने स्टाइल के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एडजस्ट प्राइस ओवर हियर। फॉर एग्जांपल अभी इसकी इधर जो प्राइस लगी है वो है $30। अगर ये $30 में ये एक शर्ट सेल होगी तो उसके बाद आपको $6.44 प्रॉफिट होगा। तो आई मीन एक शर्ट सेल होने पर आपको 6.44, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इधर से चेंज करके कर देता हूँ $35 लेट से, और $35 अगर मैं इसकी प्राइस रखूँ और तब मेरी ये एक शर्ट सेल हो तो आपको फिर प्रॉफिट होगा 11.44। नॉर्मल टी शर्ट्स इन USA दे आई मीन रेंज अराउंड $20 to $30 की होती हैं। सो बेहतर है कि इसको मैं $30 ही रखूँ। उसके बाद आई कंटिन्यू दिस, और मेरे डिज़ाइंस के अंदर ये वाला एक डिज़ाइन ऐड हो गया, सो इट इज़ जस्ट देयर। तो जब आप एक दफ़ा इस पेज पे आ जाते हैं, आपको फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसके लिए एक URL लिखना पड़ेगा। तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ लेट्स से ईट स्लीप एंड रिपीट, ओके। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ यूनिसेक्स टी शर्ट, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आ गया, ओके।
और इधर कोई ऐसा भी यूआरएल लिखते हैं अपने ब्रांड के नाम के मुताबिक, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 99 वेयर्स दैट सेट, और उसके बाद मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये अभी मेरे स्टोर की पहली प्रोडक्ट रेडी हो गई है, ये उसका टाइटल आ गया, फ्रॉम मेरा स्टोर का नाम आ रहा है नीचे, उसके बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो इस जगह पे आ रही है, और उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन वेबसाइट की तरह से डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके बाद ये साइजेस सब साइजेस में अवेलेबल है, वो कलर्स जो मैंने उधर चूज़ किए थे वाइल डिज़ाइनिंग द शर्ट वो नीचे कलर्स दिखाए जा रहे हैं, और उसके बाद ये कस्टमर के लिए क्वांटिटी है कि उसने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, और दैट इज़ इट। और अभी इधर से अगर मैं पिछले टैब में जाऊँ, यानी कि इधर मैं अपने स्टोर के अंदर आ गया, और इसके अंदर अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट शो हो रही है जो कि मैंने बना दिया है। तो मुबारक हो, आपकी फैक्ट्री लग गई है, ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह सेल करेंगे, आप किस तरह इससे जितने ज़्यादा आप इसको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं एडवर्टाइज़ कर लें, फेसबुक पेजेस बना लें, इंस्टाग्राम पेजेस बना लें, और अगर इसको आप थोड़े प्रो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो फेसबुक एड्स रन कर लें, कुछ कर लें, मतलब फेसबुक पेज बनाएं उसके ऊपर अपनी उसी वेबसाइट ब्रांड का लिंक दे के उसको फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर लें, कुछ कर लें कि आप इसी तरह इसको वर्चुअली इसको आप इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज़ करें, जिस एडवर्टीजमेंट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। एंड नॉट फॉरगेट कि आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना, ऑल यू नीड टू डू इज़ के डिज़ाइन बनाने हैं, अगर डिज़ाइन बनाने नहीं आते सो विल बी टेलिंग यू कि डिज़ाइन किस तरह बनाने हैं, अगर डिज़ाइन बनाने में आपको लगता है कि टाइम लग जाएगा सो विल आल्सो बी टेलिंग यू कि डिज़ाइन किधर से कॉपी करने हैं या किधर से उठाने हैं। कोई सवाल पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ लीव अ कमेंट एट द बॉटम, विल रिप्लाई यू, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।